हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्ट क्लास। मैं हूं आरती गुप्ता और आज हम बनाएंगे जो वेडिंग पैकिंग्स, हैम्पर पैकिंग्स, गिफ्ट पैकिंग्स, जो भी ट्रोजो पैकिंग होती है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ फ्लावर बंचेस। आज हम बहुत टाइप के, डिफरेंट टाइप के उन बंचेस को बनाएंगे इन अलग अलग टाइप की नेट्स का यूज़ करके। तो आप देख सकते हैं ये नेट्स बिल्कुल अलग अलग स्टाइल की है, अलग अलग कलर्स में है। इसी तरह से हम लोग जूट का यूज़ कर सकते हैं, ये आपको डिफरेंट कलर्स में भी मिल जाती है जूट। और इसके बाद कुछ इस तरह का फैब्रिक होता है सीक्वेंस वाला, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं बंचेस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अपना बंच बनाना। सबसे पहले हम लोग एक जूट की लंबी पट्टी लेंगे और उसको हमने फ़ैन फोल्ड करना है। अब इसको पूरा का पूरा फ़ैन फोल्ड करने के लिए हम ग्लू गन का यूज़ करेंगे। हर फोल्ड पर आप बॉटम में एक ग्लू गन का, यहाँ पर ग्लू गन लगाएंगे स्टिक करने के लिए। और इस तरह से आपका एक पूरा का पूरा फ़ैन रेडी होगा और वो सर्कल में घूम के हमारा पूरा एक फ्लावर बन जाएगा। सर्कल में फ्लावर होगा जो, तो इसको आप हाफ में भी बना सकते हैं, फुल में भी बना सकते हैं, और जो साइज़ है उसका आप वो भी अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। फ़ैन फोल्ड हो गया है, दोनों किनारों को आपस में पेस्ट कर देते हैं। चलिए ये हो गया पेस्ट, तो ये हमारा एक बेस रेडी हो गया है। बैक साइड पे हम सब पर इस तरह की एक हैंडमेड शीट, आप कार्डबोर्ड का पीस ले सकते हैं या वेडिंग कार्ड्स होते हैं आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। ये है एक लीव्स का फिलर, तो इसको भी आप यूज़ करेंगे। ये अलग अलग मार्केट में मिल जाते हैं, ये पियोनी फ्लावर है और ये है हमारी मोती मैट। तो इस तरह के आइटम्स आपको रखने होंगे डेकोरेशन के लिए। ये हमारी ओवल मोती रिंग है, देखिए इस तरह से हमारा बहुत ही प्यारा सा एक फ्लावर बंच बनके रेडी हो गया है। और इस तरह के बंचेस को आप घर पर ऑलरेडी बना के रख सकते हैं। सेकंड के लिए हमने पिंक कलर का नेट लिया है, एक लंबी पट्टी ली है, सेम यहाँ पर हम लोग फ़ैन फोल्ड करेंगे। बहुत इजी ट्रिक्स है ये और आप एंड तक देखिएगा, बिल्कुल अलग अलग डिज़ाइंस हम आपके साथ शेयर करेंगे। बॉटम से इसको लेना है और इसको थ्रेड से टाई कर देना है। तो जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होते हैं हम वही यूज़ करते हैं। लाइक मैंने जूट का जो कपड़ा यहाँ पर यूज़ किया उसमें से ही इस तरह के थ्रेड निकल रहे थे, तो उसी से मैंने इसको बॉटम से टाई कर दिया। दोनों एंड्स को लेना है, इसको अच्छे से ओपन कर लीजिए और दोनों को दोबारा जैसे हमने जूट के फैब्रिक को किया था, नेट के फैब्रिक को भी इसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्लोज कर देंगे और एक बहुत ही प्यारा सा हमारे पास फ्लावर रेडी हो जाएगा। बैक साइड पर आप लगा दीजिए सेम शीट, ताकि जिस भी चीज़ पर आपको शगन के नारियल हैं, हैम्पर्स हैं, कुछ भी आप उस पर इजीली स्टिक कर सके। अब ये हमने नेट लिया है और इसका हमने बो बना लिया और इसको भी बीच में से हम टाई कर देते हैं। इसी चीज़ों को आप घर पर ऑलरेडी बना के रखिए और जैसे जैसे आपके पास हैम्पर्स आए, बेबी पैकिंग के लिए आते हैं, बेबी शॉप पैकिंग होती है या फिर वेडिंग पैकिंग होती है, आप उसके अकॉर्डिंग इन पर आराम से, कोई आपको एक दो गिफ्ट बनाने हैं या फिर आपको बहुत सारे गिफ्ट रेडी करने हैं, तो आप ईज़िली उनको बना के दे सकते हैं और इससे आपका टाइम भी बहुत बचेगा। तो देखिए वो हमने फ्लावर के ऊपर लगा दिया और इसी तरह से एक और मेरे पास लीफ का डिज़ाइन है, ये देखिए प्लास्टिक लीव्स होती हैं ये, और ये है पोलन्स, ये वाइट कलर में है, आपको डिफरेंट कलर्स में मिल जाते हैं ये मार्केट में। और देखिए इस तरह से हम उसको पेस्ट कर देंगे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे इस तरह का रिबन, ये भी आपको अलग अलग कलर्स में मिल जाता है मार्केट में। और इन बंचेस को आप सेल भी कर सकते हैं, आप बहुत सारे बंचेस का ऑर्डर ले सकते हैं, आराम से आपको ऑर्डर्स मिल जाते हैं जो भी पैकिंग की शॉप्स होते हैं वहाँ से, और इस तरह के आप काफ़ी सारे बंचेस को आगे सेल कर सकते हैं। तो चलिए ये स्टिक हो गया, मैंने दो लंबी लंबी इसकी स्ट्रिप्स ले ली थी और उसके बाद मैं यहाँ पर फ्लावर्स का यूज़ कर रही हूँ, जो बेबी पिंक हमारे पास कलर है और काफ़ी ग्लिटरी फ्लावर्स हैं ये। तो आप देखेंगे मैं जितने भी बंचेस यहाँ पर बनाऊँगी आपको डिफरेंट टाइप के फ्लावर से भी इंट्रोड्यूस करवाती रहूँगी। तो चलिए इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये है हमारा, आप सिंगल फ्लावर ले सकते हैं, दो फ्लावर ले सकते हैं, तीन फ्लावर ले सकते हैं, जितना भी आपको हैवी बनाना है उस बंच को आप उतना हैवी कर सकते हैं। अब देखिए ये जो हमारा बंच बना है वो गर्ल बेबी के लिए, कोई अगर आपको हैम्पर रेडी करना है या वेडिंग पैकिंग के लिए, तो आप बहुत ईजिली इसको बना के यूज़ कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा मैंने बड़े साइज़ में बनाया था और वो थोड़ा सा छोटे साइज़ में है, तो जैसे सारी पैकिंग होती है आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, कॉस्मेटिक पैकिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं।
अलग अलग थीम्स के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब है तीसरा हमारा बंच, उसके लिए मैंने एक लंबा नेट का पीस लिया है ब्लू कलर में और उसको मैं सेंटर से कट कर देती हूँ ताकि हमारे पास दो पीसेस रेडी हो जाएं। चलिए इसको हम फैन फोल्ड करेंगे, फर्स्ट वाले को भी और सेकंड वाले को भी। हमारे पास बो बन के रेडी हो जाएंगे दो और हम उसको एक सर्कल शेप देंगे इस तरह से। दोनों को आपस में टाई कर दीजिए, आप किसी भी थ्रेड का यूज़ कर सकते हैं। देखिए दोनों को बिल्कुल अच्छे से टाई कर देना है और हमारे पास बहुत ही प्यारा सा एक नेट का सर्कल मिल जाएगा। और ब्लू कलर को आप जानते हैं बॉयज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं या अगर आप कोई पीकॉक थीम रख रहे हैं तो उसके लिए भी आप ब्लू कलर का सिलेक्शन कर सकते हैं। दोनों को जितने भी हमारे दोनों यहाँ पर फैब्रिक थे दोनों को आप बराबर कर लेंगे कटिंग करके और हमारा एक परफेक्ट सर्कल रेडी हो जाएगा। अब इसके ऊपर हमें डेकोरेशन करना है। डेकोरेशन के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले बैक साइड पे सेम शीट लगा देती हूँ और अब फ्रंट पे हम डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने एक मोती बैंगल ली है, इसका साइज़ जो है वो आपको मार्केट में अलग अलग साइज़ में आपको मिल जाती है। सेंटर में मैंने इसको लगाया है और इसके साथ मैं फ्लावर का यूज़ करूँगी और एक मैं लटकन यूज़ करूँगी जो कि इस तरह की मोती लटकन है, ये देखिए। और उसके ऊपर मैं एक सुंदर सा फैब्रिक फ्लावर लगा रही हूँ। तो आपने देखा अभी तक हमने जितने भी बंचेस बनाए हैं हमने अलग अलग फ्लावर्स का यूज़ किया है, उसमें ये मोती मैट इसमें ऐड करूँगी मैं इसको और भी एलिगेंट सा लुक देने के लिए। तो चलिए ये बंच भी हमारा बनके रेडी हो गया है और बिल्कुल डिफरेंट है ये दूसरे बंचेस से। आई होप आपको ये भी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बंच के लिए भी मैं जूट का यूज़ कर रही हूँ, एक्स्ट्रा थ्रेड को मैं निकाल रही हूँ और इसको हम फैन फोल्ड करेंगे और एक बो की तरह इसको सेंटर से टाई कर देंगे हम। जब भी आपको बर्थडेज वगैरह के लिए भी हैम्पर्स बनाने हो, काफ़ी सारे रिटर्न गिफ्ट्स आपको देने हो तो आप सेम पैटर्न से इन बंचेस को बना सकते हैं, ये देखिए अपनी थीम के अकॉर्डिंग। और अब मैं इसके ऊपर वही बैक साइड में सबसे पहले शीट लगाएंगे और फिर हम अपने फ्रंट पे काम करेंगे। फ्रंट की डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पर पिंक थीम ही लिया है और इसका भी सेम हम बो बनाएंगे, बीच में से टाई करेंगे। आप टाई करने के लिए रबर बैंड का यूज़ भी कर सकते हैं, थ्रेड का यूज़ भी कर सकते हैं और जितना कम से कम हो सके आप ग्लू गन का यूज़ करें। चलिए ये भी टाई हो गया, अब इन दोनों को आपस में स्टिक कर लेते हैं। और ग्लू गन भी जब आप यूज़ करें तो बहुत कम अप्लाई करें ताकि आपका फैब्रिक जो है वो ख़राब ना हो। चलिए इसको भी पेस्ट कर लिया हमने। अब इसके ऊपर हम लोग फ्लावर्स ऐड करेंगे, उससे पहले रिबन लगा लेते हैं। ये रिबन जो है इसको मैंने दो इसकी स्ट्रिप्स कट की हैं, एक छोटी है और एक थोड़ी सी बड़ी है। आप चाहें तो इसका भी बो बना के लगा सकते हैं पर इनको बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लगाएंगे इस तरह से। और अब इस पर हम एक लगाएंगे, मेरे पास एक थ्रेड है, ये पेपर थ्रेड होता है और ये भी आपको डिफरेंट कलर्स में मिल जाता है। इसकी जगह पर आप सेटिन रिबन का यूज़ भी कर सकते हैं। बहुत सारे आइटम्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं जब हम पैकिंग के लिए सामान ख़रीदते हैं, तो आप अपनी चॉइस का मटेरियल ले सकते हैं। ये पियोनी फ्लावर्स हैं जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए ये भी बंच हमारा बनके रेडी हो गया है। थोड़ा सा और हम इसको लुक दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर मोती लगा रही हूँ। मोती लगाने से बहुत प्यारा सा लुक आ जाता है जो भी हम बंचेस या पैकिंग करते हैं। तो चलिए एक और बंच हमारा बनके रेडी हो गया है। आई होप आपको ये भी अच्छा लगा होगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट बंच की तरफ चलेंगे और इसको थोड़ा सा मैं एक मोती मैट लगा के हैवी कर रही हूँ और दैट्स इट, ये हमारा बंच अब रेडी है। और अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ब्लू कलर में हम इसको बना रहे हैं। ये जो नेट आप देख रहे हैं जिसको मैंने फ़ैन फोल्ड किया है उसको आप नीचे यहाँ टाई करेंगे और इस नेट का प्राइस जो है वो आपको 35 रुपीज़ पर मीटर मार्केट में मिल जाता है। तो आप काफ़ी सारे बंचेस रेडी कर सकते हैं। देखिए ये हमारा एक फ़ैन सा बन गया है और उसके ऊपर मैंने लगाया है एक और नेट का
फैब्रिक फैन फोल्ड कर ही और दोनों तरफ मैंने शीट को यहाँ पेस्ट कर दिया है। अभी हम इस शीट के ऊपर एक पीकॉक फैदर यूज़ करेंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा बनेगा जन्माष्टमी के लिए जब आप पैकिंग करते हैं या किसी बॉय बर्थडे के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत सुंदर ये एक बंच बनेगा। फ्लावर्स भी मैंने ब्लू कलर के यूज़ किए हैं इसमें, देखिए बहुत ही प्यारे फ्लावर्स है ये और बहुत प्यारा बंच बन के रेडी हुआ है। इसके नीचे मैं लटकन लगाने वाली हूँ, सेम लटकन है जो मैंने ब्लू कलर में पहले बनाई थी, और इसको बैक साइड पे हम लगाएंगे ताकि ये हमारी जो नीचे की तरफ फॉल करते हुए नज़र आए। ये देखिए इस तरह से, ये हमारा बहुत ही प्यारा सा मोती मैट मैंने नीचे ऐड किया है इसमें, और बहुत प्यारा सा कान्हा जी की थीम के ऊपर हमारा बंच बन के रेडी हुआ है। नेक्स्ट हम एक हैवी वाला बंच बना लेते हैं, काफ़ी हैवी है तो इसमें आप लेंगे एक फैब्रिक, पिंक कलर का ले सकते हैं, वाइट कलर का ले सकते हैं, कोई भी आप नेट यूज़ कीजिए। उसको आपने स्क्वेयर पीसीज में कट करना है, तो मैंने फोल्ड पे फोल्ड करा है यहाँ पर और कटिंग पे कटिंग कर रही हूँ। हमारे पास 8 पीसीज रेडी हो जाएंगे कटिंग करने के बाद, स्क्वेयर पीसीज है। आप इसका साइज अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना बड़ा आपको बंच बनाना है। देखिए 8 पीसीज के हमारे पास स्क्वेयर्स रेडी हैं और अब हम इसको फैन फोल्ड करेंगे। इसमें कोई परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा परफेक्शन चाहिए, जो हमने एक्स्ट्रा कट किए थे उसी से मैं यहाँ पर इसको टाई कर देती हूँ। इसको बहुत टाइटली आप अच्छे से टाई कर देंगे। अभी क्या करना है आपको, ये जो हमने पीसेस लिए थे 8 पीसेस, इनको आपको अलग अलग करना है। ये अभी एक के ऊपर एक पीसेस थे पर आपको इनको बिल्कुल अलग अलग स्प्रेड कर देना है। इस तरह से आप उसको खींच खींच कर अलग कर दीजिए और बहुत ही प्यारा सा आपके पास एक फ्लावर रेडी हो जाएगा। ये फ्लावर वाइट कलर में भी बहुत प्यारा लगता है और पिंक में भी, तो मैंने पिंक का चॉइस किया यहाँ पर। इस तरह से इसको रफल कर दीजिए थोड़ा सा, और ये देखिए ये मैंने एक रिबन लिया है और उसको मैं पेपर के ऊपर इस तरह से बो बनाते हुए लगा रही हूँ। ये मैंने 4 बार फोल्ड किया है, आप चाहें तो ज़्यादा बार भी कर सकते हैं, तो कोई भी इसमें मुश्किल नहीं आएगी। कोई बिगनर्स भी हैं और ट्रोजो पैकिंग सीखना चाहते हैं तो आप इससे स्टार्टिंग कर सकते हैं और इस तरह के बंचेस को आप बना के घर पर रेडी करके रख सकते हैं। चलिए इसको मैंने सेंटर में पेस्ट कर दिया है और अब इसके ऊपर मैं सेम रिबन जो मैंने अभी बेबी पैकिंग के लिए यूज़ किया था वही यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ। और इसी तरह की आप वीडियोस मेरे चैनल पर देख सकते हैं गिफ्ट पैकिंग से रिलेटेड। अगर आपको इंटरेस्ट है गिफ्ट पैकिंग में या आपके घर में भी कोई वेडिंग या कोई फंक्शन आ रहा है तो आप उसमें इसको लगा सकते हैं। रिबन हमारा यहाँ पर लग गया है, इसको हम अभी एक फिलर लगा के डेकोरेट करेंगे। ये हमने लीव्स लगाई हैं यहाँ पर, ये भी आपको बहुत अलग अलग स्टाइल्स में मिल जाती है मार्केट में। और उसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ एक फोम फ्लावर, रोज़ फोम फ्लावर। तो आप जिस भी कलर से आप इसको बना रहे हैं आप उसी कलर के फ्लावर्स यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरे पास एक छोटा सा हैंगिंग था मोती वाला, वो मैंने बॉटम में लगाया है और मोतियों से ही मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ। तो जब भी आपकी थीम थोड़ी सी और हैवी हो या आपको खाली एक ही बंच को यूज़ करना हो तो आप इसको बहुत ही हैवी सी हमारा बंच बन के रेडी हुआ है उसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, पहले इसके पीछे भी हम एक यहाँ पर स्टिक कर देते हैं पेपर, और ये बिल्कुल लगाने के लिए रेडी हो गया है आपके हैम्पर्स पर। अभी हम बनाने वाले हैं छोटे छोटे से बंचेस, जैसे कि आप बर्थडे पार्टीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको स्टेशनरी वगैरह देनी है या कुछ आपको छोटा सा कुछ भी कटी पार्टीज़ वगैरह के लिए छोटे छोटे आइटम्स को ही आपको देने हैं तो आप उन हैम्पर्स को रेडी कर सकते हैं। येलो कलर का मैंने यहाँ पर नेट लिया है और उसको मैंने फैन फोल्ड किया है, तो ये बहुत ही क्यूट सा बंच बनेगा आपका। जो भी अगर आपको छोटी सी कोई साइज़ में छोटा आपको आइटम देना है तो उसके लिए स्पेशली जो आप अगर गोल्ड कॉइन्स या सिल्वर कॉइन्स आप देते हैं किसी को गिफ्ट में तो आप उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया। अभी जो हमने पिंक कलर में इस तरह का थ्रेड यूज़ किया था उसी तरह से मैंने ग्रीन कलर में लिया है इसे, देखिए इस तरह से इसको फोल्ड करके और ग्लू गन से यहाँ पर आप उसे स्टिक कर दीजिए। बहुत कम हम इसमें चीज़ें लगाएंगे पर बहुत सुंदर इसको बनाएंगे।
अभी लास्ट हम इस पे एक सनफ्लावर लगा देते हैं। ये भी फैब्रिक फ्लावर है और इसी तरह के फ्लावर्स आप मार्केट में ले सकते हैं। चलिए ये बंचेस भी हमारे रेडी हो गए हैं। देखिए छोटे हैं पर बहुत क्यूट हैं और बहुत एलिगेंट, बहुत ब्यूटीफुल से हमारे बंचेस हैं ये। इसके बाद हम एक लास्ट बंच और बनाना सिखाएंगे आपको। उसके लिए मैंने एक छोटा सा रेक्टेंगुलर पीस लिया है जूट का और इसको मैं फैन फोल्ड कर रही हूँ। अगर आप और भी बंचेस या गिफ्ट पैकिंग से रिलेटेड, ट्रोजो पैकिंग से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। देखिए ग्लूगन की हेल्प से हमने फैन फोल्ड किया है और साथ में मैं लूँगी रेड कलर का नेट और इसको भी हमने फैन फोल्ड ही करना है। पतला फैब्रिक होता है उसको आप टाई कर सकते हैं पर जूट को टाई करना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है क्योंकि काफ़ी मोटा हो जाता है तो हम उसको ग्लूगन से ही स्टिक करते हैं। ये देखिए ये हमारा फैन रेडी हो गया है, इसको पेस्ट कर लेते हैं सेंटर में। और ये थोड़ा हमारा ट्रेडिशनल वे में बनेगा जैसा कि हम नारियल डेकोरेशन वगैरह करते हैं तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर रेड कलर में है तो करवा चौथ वगैरह की पैकिंग के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लटकन को मैंने यूज़ किया है और एक मैं छोटी सी डॉल यहाँ पर ले रही हूँ, राजस्थानी पपेट हम इसको बोलते हैं। और बैक साइड पर इसको थोड़ा सा और अटैच कर दीजिए। मोतियों का यूज़ करूँगी, बड़े साइज़ के मोती हैं, मोती भी आपको अलग अलग साइजेस में मिल जाते हैं मार्केट में। और ये देखिए हमारा बहुत ही प्यारा सा एक और पपेट बंच बन के रेडी हो गया है। यहाँ फ्लावर की जगह पे हमने पपेट को यूज़ किया था और इसी तरह से हमने यहाँ पर 8 टाइप के फ्लावर्स बनाने सीखे हैं। ये हमारा पीकॉक थीम पर, ये हमने हैवी बंच बनाया था, ये हमने बो शेप में बनाया था, ये हमारा सर्कल था और ये प्यारे प्यारे से हमारे कॉस्मेटिक या फिर गर्ल्स के लिए और ये प्यारा सा एक हमारा एलिगेंट सा बंच। आई होप आपको ये आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल कैसा लगा और आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोज़ हम आपके साथ शेयर करते रहें तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।